गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट कम्युनिटी सर्विसेज। सर्विसेज मींस टू गिव अवे और टू सर्व समवन, किसी को हेल्प करना किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना जैसे

जब आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे वो आपको जब आप उन्हें पे करते हैं तो वो आपको सामान देते हैं तो सर्विस इज़ इंटेंजिबल यानी आप सर्विसेज को देख नहीं सकते हैं अगर आपने टेन रुपीस दिए तो वो आपको बिस्किट का पैकेट देंगे यू कैन टच दैट पैकेट यू कैन सी दैट पैकेट बट अगर आपने किसी को टेन रुपीस दिए हैं और वो आपके लिए कुछ काम कर रहा है तो दैट इज़ सर्विस वो आपको हेल्प कर रहा है वो आपकी मदद कर रहा है सो द सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय वेरियस पीपल इन अ कम्युनिटी कम्युनिटी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया इंडिया वी ऑल आर लिविंग हीय सो इट इज़ ऑल्सो कम्युनिटी बट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल एक बहुत बड़ी कम्यूनिटी है टू सर्व द नेशन वी नीड गवर्नमेंट हमें जो भी यहाँ की पॉपुलेशन है द पीपल हु आर लिविंग इन द इन दिस कंट्री उनके लिए लुक आफ्टर करना और उनकी नीड्स को फुलफिल करना तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ओनली वन पर्सन to handle all the things because of that Johamari government here it is divided into three levels first we have already discussed central government central government take cares of three sectors defense finance and railways now we will discuss state government state government ईच स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनकी अपनी खुद की एक गवर्नमेंट होती है द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ सर्विसेज इन देयर स्टेट ना व्हाट इज़ लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर मीन्स रूल्स रेगुलेशंस जो आप आपको ट्रैफिक रूल्स पता हैं आपको पता है अगर आप अपने एरिया में अगर किसी ने क्राइम किया है तो पुलिस आएगी उसको अरेस्ट करके ले जाएगी तो ये क्या है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर स्टेट अपने स्टेट की व्यवस्था अपने स्टेट का जो चल रहा है लोगों से काम करवाना या फिर उनको प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट क्या करती है जो स्टेट गवर्नमेंट है टू प्रोटेक्ट द पीपल हु आर लिविंग इन स्टेट ऐसा नहीं है कि वो बाकी स्टेट को नेगलेक्ट करते हैं बट अगर उत्तर प्रदेश में अगर कुछ भी होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल प्रेजेंट गवर्नमेंट होगी कोई भी इशू है वो हम सीधे गवर्नमेंट अपनी स्टेट की गवर्नमेंट के पास लेके जाएंगे चीफ मिनिस्टर के पास लेके जाएंगे डीएम के पास लेके जाएंगे सो द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन देयर स्टेट नाउ ट्रांसपोर्टेशन यू ऑल नो ट्रांसपोर्टेशन मींस मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर आपने ऑब्जर्व किया हो वेन वी क्रॉस हाईवेज वी हैव टू पे अ टोल हम कुछ टोल पे करते हैं इट इज़ कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट उस स्टेट की गवर्नमेंट वो कलेक्ट करती है ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ये वर्ड मे भी आपके लिए न्यू होगा बट चुंगी आपने सुना होगा यहाँ पे आप उसको एक जगह के नाम से जानते हैं चुंगी तो वट इज़ चुंगी ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जब भी आप किसी सिटी में एंटर करते हैं यू हैव टू पे टैक्सेस इसी तरीके से जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वेदर इट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ़ गुड्स सर्विसेज और ह्यूमन बीइंग्स, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज वी आर इन अ स्टेट ऑफ पैंडमिक आपको पता है दैट कोरोना वायरस तो कौन ध्यान दे रहा है दोज पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ दोज पेशेंट्स गवर्नमेंट आपके अलाहाबाद में भी प्रयागराज में कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं दे आर प्रोवाइडिंग फी फ्री फैसिलिटीज़ टू द पेशेंट तो क्या है उन्हें कौन पे कर रहा है यो गवर्नमेंट इज़ पेइंग आपकी जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो उन्हें पे कर रही है सो दैट दे कैन प्रोवाइड फैसिलिटीज, दे कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल हु आर लिविंग इन उत्तर प्रदेश सो द स्टेट गवर्नमेंट इट टेक केयर्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ सर्विसेज इन देयर state now the next that is third level is local self government local self government means or it refers to the governmental jurisdiction below the level of the state state means जब गवर्नमेंट रूल करती है तो उसने उसे सब डिवाइड कर दिया है जो उससे भी नीचे के रूलिंग होती है गांव में स्टेट गवर्नमेंट जो सिटीज़ हैं उन्हें कवर करती हैं या फिर वो एक रूल बनाती हैं जिसे फॉलो करना पड़ता है छोटे छोटे गवर्निंग बॉडीज़ को the local self government is further divided into rural local self government and urban areas local self governments here in this chapter we are going to discuss rural local self government now india is a very big country and the states are also very big स्टेट्स भी बहुत बड़े हैं और उन्हें मैनेज करना डिफ़िकल्ट है वहाँ से आपका कंसेप्ट आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जैसे आपकी कंट्री को डिवाइड कर दिया स्टेट्स में स्टेट्स को फिर से डिवाइड किया विलेजेस में टाउन्स में सो द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्क्स एट रूलर लेवल एंड दैट इज़ कॉल्ड ग्राम पंचायत इसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड और चोजन बाय द पीपल ऑफ़ द विलेज फॉर अ टर्म ऑफ फाइव इयर्स। ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं जो गवर्निंग बॉडी होती है वो एक पर्सन को हायर करती हैं या कुछ पर्सनस को हायर करती हैं फॉर अ टर्म ऑफ फाइव ईयर दैट हैड और सरपंच इज नोन आज प्रधान दैट इज इन्हें हम हैड सरपंच या प्रधान के नाम से जानते हैं दे आर चोजन बाय द पीपल ऑफ़ द वलेज और ऑफ़ द टउन इन्हें वहाँ के लोग चूज करते हैं ना दिस वोटिंग राइट वन पर्सन वन वोट ये आपको शो करता है दैट योर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक मीन्स वेर द पीपल हैव राइट टू चूज देर गवर्मेंट जहाँ पे वहाँ के लोगों को राइट right होता है टू वोट एंड टू इलेक्ट अपना वोट देना और इलेक्ट करना अपनी गवर्नमेंट को सो द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत दे आर इलेक्टेड और दे आर चोजन बाय द पीपल ऑफ द विलेज फॉर अ टर्म ऑफ फाइव इयर्स द हेड और सरपंच और प्रधान इज आल्सो चोजन बाय द पीपल एनी मैन और वुमेन ऑफ द वेज हु इज एटीन ईयर्स ऑफ एज और अबव कैन वोट विलेज का कोई भी मेल और फीमेल कोई भी आदमी और औरत जिसकी एज एटीन ईयर्स से ज़्यादा है इन आ कंट्री द वोटिंग एज इज एटीन ईयर्स सो एनी पर्सन हु इज़ ऑफ एटीन और मोर देन ऐटीन अबव एटीन दे कैन गिव देयर वोट द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ ग्राम पंचायत डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ़ पॉपुलेशन उस गाँव में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन कितने लोग वहाँ पर रहते हैं द नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंड ऑन साइज ऑफ पॉपुलेशन इट वेरीज फ्राम सेवेन टू सेवनटीन मेंबर्स ये कितने से कितने हो सकते हैं फ्रॉम सेवेन टू सेवनटीन मीन्स मिनिमम सेवन मैक्सिमम सेवनटीन मेंबर्स द गवर्मेंट हैज़ सर्वड अ फ्यू रिजर्व अ फ्यू सीट्स फॉर वुमेन स्कड्यूल्ड कास्ट एंड स्कडूल्ड ट्राइब इन द ग्राम पंचायत जो गवर्नमेंट है उन्होंने वुमेंस के लिए कुछ सीट्स अलॉट करी हुई हैं फिक्स करी हुई हैं कुछ सीट्स स्कड्यूल्ड कास्ट के लिए और कुछ सीटें स्कीड्यूल्ड ट्राइब के लिए पिछड़ी जाति जनजाति ठीक इसके लिए उन्होंने कैटेगरीज होती हैं तो इनके लिए उन्होंने सेव करी हैं सो दैट एनी पर्सन फ्राम द स्कीड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट और एनी वुमेन हु वॉन्ट टू बी मैंबर ऑफ दैट ग्राम पंचायत तो वो अप्लाई कर सकते हैं